खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करिए आरपी टीवी न्यूज और बड़वानी को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन की बड़ी खेप प्राप्त। तो इस मशीन का चिकित्सालय में जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी का निरीक्षण कर वितरण की कार्रवाई की गई। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल, सांसद गजेंद्र पटेल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, भाजपा जिला अध्यक्ष ओम सोनी, बड़वानी भाजपा मंडल अध्यक्ष कृष्णा गोले मौजूद थे। वहीं कलेक्टर ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री द्वारा फंडिंग की व्यवस्था की गई थी। इसी के तहत 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन प्राप्त हुई जो हवा से ऑक्सीजन बनाएगी। साथ ही 5 वेंटिलेटर मशीन प्राप्त हुई और 25 बाईपैप और हमने 6750 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन का भी ऑर्डर दे दिया है। ये मशीनें कलकत्ता से आई है। कोरोना से जंग जीतेंगे प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों ने की है आवाज़ बुलंद। जो कमी बड़वानी जिले में हो रही है लगातार मरीज आ रहे हैं, क्या व्यवस्था की जा रही है? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी दिनों दिन बढ़ रही है उसको लेकर मध्य प्रदेश की सरकार शासन प्रशासन पूरी तरह चिंतित भी और उसके लिए पूरे प्रयास भी कर रहा है। आज बड़ी खुशी का अवसर है कि हमारे बड़वानी जिले में जिला प्रशासन द्वारा राज्य सरकार के द्वारा हमारे प्रभारी मंत्री माननीय प्रेम सिंह जी, हमारे जिले के जिलाध्यक्ष ओम सोनी जी, सुमेर सिंह जी, मैं, हम स्वयं और हमारे जिला प्रशासन के द्वारा ऑक्सीजन कंटेनर 100 परचेज किए गए हैं, जिसका आज यहाँ पर आगमन भी हो गया और आज हमने उसका पूरा अवलोकन भी किया है और उसी के साथ में 30 अन्य हमको बाईपैड भी मिले हैं जो सीरियस पेशेंटों के लिए बहुत उपयोगी बाईपैड की चीज़ें हैं। निश्चित तौर पर जिला प्रशासन और हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने अनुकूल पहल की है, आज हमने उसका अवलोकन कर लिया और आज से ही लगने का काम शुरू हो गया है और ऐसे हमारे कई पेशेंट जो 100 जिनको हमारे कंटेनर मशीनें लगेगी और 30 ऐसे जो सीरियस पेशेंट रहेंगे बाईपैड, पूरे ज़िले में इस प्रकार का वितरण की व्यवस्था की गई है और निश्चित तौर पर ये एक अनुभव पहल है जिससे हमारे इस प्रकार के सीरियस ऑक्सीजन की कमी को महसूस किया जा रहा है उनको लाभ भी मिलेगा और ये एक अच्छी पहल करके हमारे जिला प्रशासन ने अच्छी शुरुआत की है। मैं इसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार को, जिला प्रशासन को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हमारी जनता को ये सुविधाएं मिलने वाली है तो इसका लाभ कहीं के इस कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी के लड़ने के लिए हमको एक अनुभव पहल होगी शुरुआत कर रहे हैं। सर, आज मंत्री द्वारा हमको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन दी गई है, क्या कहेंगे? जिले में लगातार कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ रही है और ऑक्सीजन पर जो ऑक्सीजन बेड्स पर भी पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं, इसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए हम लोगों ने 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 25 बाईपैप और 5 वेंटिलेटर का आर्डर दिया था। आज सभी 5 हमारे वेंटिलेटर भी आ चुके हैं, 25 बाईपैप आ चुके हैं और 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी आ चुके हैं। इन सबको लाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। ये कोलकाता से कंसंट्रेटर चले थे, इनको डेली ट्रैक कर रहे थे कि कहीं बीच में रुक ना जाए, तो 6-7 दिन में कोलकाता से यहाँ पे आ गए हैं और इस ज़िले में चूँकि लगातार पेशेंट बढ़ने से ऑक्सीजन की सप्लाई में भी दिक्कत आ रही थी, तो मुझे उम्मीद है कि 100 कंसंट्रेटर लगने से हमारे 100 पेशेंट्स को एक दिन में कम से कम एक जम्बो सिलेंडर लगता है, तो 100 जम्बो सिलेंडर की ऑक्सीजन की उपलब्धता हमारी हवा से ही ये मशीन करेंगी और इससे हमारे ज़िले के लोगों को, मरीजों को इसका काफ़ी लाभ मिलेगा। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरे मध्य प्रदेश शासन की ओर से हम लोगों को लगातार सपोर्ट किया जा रहा है, उनके द्वारा जो भी संसाधन है उनके द्वारा राशि उपलब्ध कराई गई है, उसी समय ये परचेस किया हुआ है। मैं चाहूँगा कि ज़िले में अब इस तरह का वातावरण बने कि लोगों को ये समस्या ना आए कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई दिक्कत है। हम लोगों ने अभी 50 कंसंट्रेटर मशीन का ऑर्डर और दे दिया है ताकि हम लोग निकट भविष्य में यदि हमारे पेशेंट बढ़ते हैं तो ऑक्सीजन की जो किल्लत से हम लोग निजात पा सकें।